प्रिय मित्रों नमस्कार, ये जो मेरा चैनल है ये है एक म्यूजिक एजुकेशन चैनल। कल ही हमारे सारे विद्यार्थियों का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मेरे विद्यार्थियों ने जो गाने गाए उसके वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। ये विद्यार्थी गलतियां जरूर करते हैं, कोई सुर में ठीक नहीं रहता तो किसी किसी के ताल में गड़बड़ी हो जाती है। ये जो भूले होती है विद्यार्थियों से, आप जब ये वीडियो देखोगे तब वो भूलों को नज़रअंदाज कर दीजिए और कुछ सीखिए कि कैसी भूले हो रही हैं। मेरे विद्यार्थियों को ये उनका वीडियो अपलोड करने का मकसद एक ही है, वो है कि वो देखें कि उनसे क्या भूल हुई है और उस भूल को वो सुधार ले। मेरे हर विद्यार्थी का सेपरेट वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसमें उसके गाने पर मैं मेरी राय देता हूँ। मैं पॉइंट आउट करूँगा कि ये पेशकश उनकी जो है इसमें क्या एरर्स हुई हैं, क्या गलतियाँ हुई हैं। और हमारा जब क्लास होता है उस क्लास में इन गलतियों को सुधारा जाता है। दोस्तों ये पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि शायद किसी विद्यार्थी ने शुरुआत बड़ी अच्छी की हो लेकिन लास्ट में आकर कहीं गड़बड़ी हो गई हो। तो आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए, मगर आपका देखने का अंदाजा कुछ सीखने की ओर होना चाहिए, ना कि थम्स डाउन करने के लिए। क्योंकि आप भी जब गाना सीखने शुरू करोगे तो लाजिम है कि आपका भी थम्स डाउन ही तेज होगा, इसी से सुधार किया जाता है। हमारा ये कार्यक्रम फैमिली फन डे हर 2 महीने में होते रहता है। इस बार की हमारी थीम थी डुएट सॉन्ग्स, युगल गीत। डुएट सॉन्ग्स गाते वक्त दोनों सिंगर्स में बड़ी अच्छी केमिस्ट्री होना ज़रूरी होता है, उनका तालमेल बिल्कुल परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। ये कठिन बात है और इसकी भी कोशिश मेरे विद्यार्थी कर रहे हैं। आप देखिए, आप में और मेरे विद्यार्थियों में एक कॉमन सी बात है और वो है, आप संगीत प्रेमी हो, वो भी संगीत प्रेमी है। इस विद्यार्थी की ये कोशिश आपको अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर उसकी हिम्मत बढ़ाइए ये वीडियो को लाइक करके। आप पहले सुनोगे विद्यार्थी को गाते, वो गाने के बाद मेरा इवैल्यूएशन होगा। तो आप देखिए कि ये पूरा गाना जब हो रहा है तो आपको क्या एरर्स लगती है और आपकी समझ और मेरा इवैल्यूएशन, ये कहीं मैच होता है या नहीं, ये देख लीजिए। हमारे इस प्रोग्राम में जब गीत दिए जाते हैं तब कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के उसमें सुधार करने के लिए वो गाने सिलेक्ट किए जाते हैं। इस बार जो प्रोग्राम हुआ इसमें डुएट में कोऑर्डिनेशन कैसा होता है ये तो मकसद था ही, साथ साथ सभी गानों में आकार उकार एकार ये जो इनको लेने थे, ये आकार उकार इकार सिंगर्स कैसे लेते हैं, क्या वो कहीं शॉर्ट आकार कर देते हैं या लॉन्ग करते हैं, ये जानना था।
इंस्ट्रूमेंट्स पर है कीबोर्ड डॉक्टर रीचा, सेकंड कीबोर्ड इमैनुअल परेरा, मैंडोलिन मिसेस रेखा ठक्कर और फ्लूट वन डॉक्टर शांतिलाल ठक्कर, फ्लूट टू अमय सापकर, फ्लूट थ्री श्रावणी कंसे। हमारे विद्यार्थियों का ये फैमिली फंड डे पिछले 3 साल से आयोजित किया जा रहा है जो हर 2 महीने में होता है। इस प्रोग्राम की लेवल ऊपर की दिशा में ही जा रही है, ये बड़ी खुशी की बात है, इम्प्रूवमेंट्स नज़र आ रही है। इस 2 महीने के प्रोग्राम के सिलसिले में जो अभी 20 जनवरी को हमारा प्रोग्राम हुआ उसमें पहली बार हमने इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर जाने जा ये गाना बजाया था। ये गाने की प्रैक्टिस काफ़ी दिनों तक चलती रही, म्यूजिशियंस कॉन्फिडेंट भी हो गए थे हमारे रिहर्सल्स के दौरान। अब इन्होंने जो पेशकश की आपने देखा ही होगा, ये सारे म्यूजिशियंस का कोऑर्डिनेशन तो ठीक ठाक रहा। इसमें एक गलती जो नज़र आती है वो ये है कि ये दोनों कीबोर्ड बजाने वाले म्यूजिशियंस सेकंड अंतरे के पहले जो म्यूज़िक पीस है, इंटरलूड है, वो भूल गए थे। कैसे वैसे उन्होंने उसको ठीक ठाक किया, सवार लिया, लेकिन एक्चुअल पीस वो भूल गए थे। ये बीच के इंटरलूड पीसेस ठीक ठाक कोऑर्डिनेट होना बहुत ज़रूरी होता है। ये अभी जो गाना आपने सुना इसमें एक बांसुरी चढ़ी लगती थी, थोड़ी शार्प लग रही थी। इस वीडियो के बारे में या संगीत अभ्यास के बारे में आपको कोई मुश्किल हो तो आप मुझे कभी भी मेरे मोबाइल नंबर 8879183901 पर फ़ोन कर सकते हो। मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा।